मसालों में एक अच्छी तेजी के बाद ऊपरी स्तर से गिरावट भी देखने को मिली है। मसालों पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि अभी मार्केट में ऊंचे भाव पर कोई भी स्टॉकिस्ट खरीदारी नहीं कर रहे हैं। मार्च का महीना धनिया और जीरे की आवकों का महीना रहता है, इसलिए स्टॉकिस्ट इस उम्मीद में है कि नई आवक होने पर कीमतें नीचे जाएंगी और फिर खरीदारी करेंगे। 20 अप्रैल तक मसालों में मंदी रह सकती है। 20 अप्रैल के बाद मार्केट में मसालों में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं हल्दी ने 8,350 का लेवल छू दिया है। अजय केडिया के अनुसार हल्दी में इस लेवल पर खरीदारी में रहा जा सकता है। एक महीने में हल्दी 9,000 से लेकर 9,200 तक का लेवल और लंबी अवधि में 12,000 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं जीरे और धनिये में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जीरा अभी नीचे में 19,000 का लेवल भी दिखा सकता है और धनिया 9,000 से लेकर 9,200 का लेवल नीचे में दिखा सकता है। अजय केडिया के अनुसार मसालों में छोटी अवधि में गिरावट रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि में मसालों में कुल मिलाकर तेजी का ही रुझान है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार में बिगब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिगब्लिस ऐप। खुशियों की अपनी दुकान।